ना यहाँ पे अभी हमारी रील बनाने की तैयारी हो रही है। तो निकालने के बाद ना कुछ इस तरह की होती है रुई। लोग सोचते होंगे कि मतलब हम खाली वीडियो ही बनाते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और इन खूबसूरत से पहाड़ों में पाली गाँव में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। अभी सुबह के 7 बजे का टाइम हो रहा है और मेरी भी एक नई वीडियो की शुरुआत हो गई है। नई वीडियो की शुरुआत मेरी आज तिलवाड़ा के पाली गांव से हो रही है। तो परसों आ गई थी मैं आरती दीदी लोगों के घर पे और कल भी हम यहीं पर रुके हैं और आज भी मैं यहीं रुकने वाली हूँ। तो अभी ना मैं दीदी के खेत देखने आई हूँ। तो वीडियो में तो मैं हमेशा दीदी के खेत देखती रहती थी, तो आज मैंने बोला क्यों ना सामने से हम देख लेते हैं। तो आज हम अभी घूमने के लिए आ रहे हैं नीचे दीदी के खेतों में। बाकी सामने पे है बहुत बड़ा आम का पेड़, तो अभी मैं ना इस पे जाने वाली हूँ और इस पे से मैं आम निकालूँगी थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद सारे खेतों को भी घूमेंगे। और ये कंटेनर किया हमने, होंगे तो आम लेके जाएंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, घूमेंगे फिरेंगे। तो बाकी ना मौसम की बात करें तो मौसम आज ना धुंधली सी धूप होने वाली है, हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं ऊपर वाली पहाड़ियों पे, बादल लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में बारिश आने वाली होगी, पर लेकिन बारिश अभी नहीं आएगी, हल्की हल्की धूप होने वाली है। आज मैंने फुंदड़ी लगा रखी है, कैसी लग रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने कल ना इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने के लिए लगाया था, तो अभी ऐसी ही है तो मैं रहने दे रही हूँ आज भी। तो ये देखो भाई, तो मैं अभी फिलहाल चलती हूँ पेड़ पे। बहुत बड़ा पेड़ है भाई दीदी, इसके तो टहनी भी नहीं है पकड़ने के लिए। आराम से जाना यार, आराम से। पेड़ पे तो ऐसे चल रही है आसमा की जैसे बंदर बंदर चढ़ता है। आराम से जावा, वैसे ही लंबी धोपेली, वैसे ही पहाड़ की नारी भाई पेड़ पे चढ़ गई। तो दोस्तों मैं सबसे ऊपर वाली टहनी में पहुंच गई हूँ। बहुत ज्यादा हिल रहा है, हिल रही है भाई ये टहनी। ये वाला कच्चा होता है वही वाला पेड़? हाँ, ये किस चीज का पेड़? दूसरे चीज का है भाई, वो ध्यान रखना। तो अभी ना मैं पेड़ से नीचे आ गई हूँ और इतने ही आम मिले हैं ये देखो, क्योंकि ना इस साल आम का सीजन बहुत कम है। पिछले साल बहुत ज़्यादा आम लगे हुए थे, तो पिछले साल मैं बहुत आम लेके गई थी। इस साल आम है भी नहीं और अभी हैं जो हैं भी तो वो कच्चे हैं। तो हमने ना पेड़ को हिलाया हिलाया तो इतना ही आम मिले, और वैसे भी आम का पेड़ थोड़ा कच्चा होता है। तो अब जाते हैं हम, ऊपर में भी एक आम का पेड़ है तो वहाँ चलते हैं दरांती को भी लेके। और 1 किलो तो मिल गए होंगे, 1 किलो तो होंगे ही, और 1 किलो और होंगे तो काफ़ी होता है उतना नहीं। बाकी चलते हैं और उस वाले दूसरी जगह पे आ गए हैं और इस वाले पेड़ पे देखिए भाई, थोड़ा बहुत आम दिख रहे हैं। थोड़ा सा इस पे से निकाल देते हैं, नहीं निकालते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी हम ना इस वाले पेड़ पे भी गए हैं, थोड़ा सा निकाले हैं हमने आम, क्योंकि आम ना बहुत ही ज़्यादा कच्चे हैं, अभी अचार डालने लायक हैं, खाने लायक नहीं है, तो हमने नहीं निकाले हैं। कच्चे आम निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कच्चे आम खा के ना बुखार भी आता है दीदी। ये देखो इतने ही निकाले हैं, यहाँ देखो बहुत कच्चे हैं। और अब हम जा रहे हैं दीदी लोगों के खेतों की ओर, इधर साइड। तो देखिए भाई, एक ये वाला खेत है दीदी का, बहुत बड़ा खेत है और इसमें सारी दाल बो रखी है। नी सौंट की, सौंट नहीं, यहाँ सौंट नहीं होते हैं ना दी, सौंट में यहाँ पे है काली दाल, रयास, रयास ज़्यादा होती है यहाँ। और मंडवा जो न्यार होता है ना, मंडवे का जो अनाज होता है तो वो बहुत ही कम रहता है। जैसे नीचे वाले खेत में तो मंडवा काफ़ी है, पर यहाँ पे ना ज़्यादातर लोगों ने दाल ही बो रखी होती है, जैसे कि तोर या फिर रयास या काली दाल, बट भी रहना यदि। तो ये खेत ना दीदी लोगों का उधर साइड से है और इधर। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, इनमें किसी में भी हल नहीं लगाया दीदी ने, पूरे खेत ना कुदाल से ही खुदाई करी नहीं दी। और ठीक सामने ये यहाँ है कंडाली गांव, और ऊपर साइड है तैला गांव जहाँ हम मेले में गए थे, और इधर साइड है जेली जेली। अब चलते हैं यहाँ से इधर। वीडियो बनाने के साथ साथ में, गायकी के साथ साथ में बहुत सारे खेत भी कर रखे हैं, और अपने तो हैं ही हैं, लोगों के खेत भी कर रखे हैं। कोई लोग सोचते होंगे कि मतलब हम खाली वीडियो ही बनाते हैं, गाना ही गाते हैं, तो ऐसा नहीं है।
इन चीज़ों के साथ साथ बहुत सारे खेत भी करने पड़ते हैं और घर गृहस्थी को भी देखना ही पड़ता है। तो दीदी के सिर्फ गाय बछिया ही नहीं है, बाकी तो सारा काम है। दीदी अगर गौशाला होती तो गाय बछिया, हाँ अभी गौशाला नहीं है तो इसलिए गाय नहीं रखी हुई है। हमारे यहाँ तो हल भी लगाया, दीदी ने तो खुद ही खुदाई करी, खुद ही बोया, हल भी नहीं लगाया। इतने बड़े बड़े खेत बिना हल के बो रखे हैं, ये पूरा इसमें जो इतना दाल बो रखी है। हम दूसरे खेत में आ गए हैं तो एक ये खेत है, दीदी ने बहुत बड़ा खेत कर रखा है, पर ये लोगों का खेत है पर दीदी ने कर रखा है। तो देखो भाई, पहाड़ की नारियां इतनी मेहनत करती हैं कि जो हर काम संभाल लेती हैं और ऊपर से गाना गाना, ब्लॉगिंग करना, साथ में इतने सारे लोगों के खेत करना, क्या करें, तब करना ही पड़ता है। पहाड़ी महिलाओं का जीवन कुछ इस तरह से ही होता है ना। इसमें बहुत अच्छा मंडवा हो रखा है दी, क्योंकि इसमें ज्यादा दाल नहीं बो रखी है ना, इसलिए मंडवा इसमें बहुत अच्छा हो रखा, सीधे उस किनारे से लेके। और इतना बड़ा खेत है और वो भी ना हाथ से लगाया भाई, हल अपने कंधे पे, दो दीदियों ने आगे से बैल वो खींचा, हल को आंसू ने पीछे से लगाया, पीछे से। तो इसमें तो बहुत मतलब ऐसा हुआ कि खींचा तो अच्छा लगा, बाकी और खेतों में तो मतलब खुदाई करी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और ये बड़ा वाला खेत था, इसमें आधा आधा कर रखी थी मैंने खुदाई, नीचे वाली साइड भी ऊपर वाली साइड भी दाल बोत ली थी पहले ही, उसके बाद बीच में सीधा हल चलाया। और ठीक यहाँ से ना ऊपर में है दीदी का घर यहाँ पर, और ये तो घर के नज़दीकी है ये खेत, नहीं खेत, हाँ ज़्यादा दूर नहीं है ये वाले खेत, ये तो सबसे बड़ा खेत यही है। नहीं तो भाई दोस्तों, अभी खेत से घर भी आ गए हैं, आम तो मिले नहीं, मतलब मिले हैं पर कच्चे थे, हमने निकाले नहीं। और बाकी सारे खेतों में भी घूम लिया है, सभी खेतों में दीदी ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है। और मैं जाऊँगी एक खेत की निराई करने के लिए, तब तक घर में खाना और कपड़े वगैरह धोने हैं, थोड़ा मैं कपड़े धोती हूँ, सफाई सफाई जो भी होगी गुली करेगी। अब इसके बाद मैं पता कब आऊँगी, जब दीदी के यहाँ पे बहुत सारी दाल होगी, दाल लेने के लिए आऊँगी मैं आप सीधे, ठीक है। यहाँ पे दीदी ने ना अपने घर के सामने पे रुई का पौधा लगा रखा है, जिसपे बहुत अच्छी से रुई हो रखी है। ये देखो जो रुई हम दिया लगाते हैं ना, जिसके वही वाले रुई का पौधा है, नहीं यदि दिया वाली, हाँ तो ये देखो भाई बहुत सारी रुई हो रखी है इस पे, ये देखो एक पौधा ना, ठीक है। ये देख पहले ऐसी बनती है गुठली, कैसे मेरे को ये पहले ऐसी गुठली बनती है, फिर पक के फटती है कुछ इस तरह, अभी ये पूरी नहीं फटी है, फिर जब पूरी हो जाएगी तब इस तरह से होती है। और फिर ना ये देखो ये फट गई है, तो ये निकालने लायक हो गई है। निकालने के बाद इसको थोड़ा सा जैसे ताकोली पे उसको नहीं करते हैं, उनको काटते हैं ना, तो रुई को कुछ इस तरह से काटा जाता है, इस तरह से निकालने के बाद ना कुछ इस तरह की होती है रुई। और ये इसके बीज हैं और ये रुई है, नेचुरल रुई जिसे बोलते हैं। अगर किसी को चाहिए होगी तो संपर्क करना भाई, आरती रावत ऑफिशियल पर, केदारनाथ ब्लॉगर पर, क्योंकि इस वाले पेड़ पे पूरी रुई ही रुई होती है, फूल भी बहुत अच्छे अच्छे खिल रखे हैं, साथ में रुई भी, भाई क्या बात है। तो भाई अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है और अभी हमारा नहाना धोना हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो ना यहाँ पे अभी हमारी रील बनाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे दीदी ने देखो भाई कोट पैंट लगा दिए हैं, एकदम मस्त लग रहे हैं, बन रही है आसमा का दुल्ला। तूने मेरे को कोट पैंट भी अपना निछा ले लुकारा, बहुत स्मार्ट लग रही हो वे, छपरी बुढ़िया पहले तो हम रील बनाते हैं, फिर उसके बाद हम मस्त कॉमेडी बनाने वाले हैं, तो जरूर देखना। तो फिलहाल हम करते हैं तैयारी। तो अभी यहाँ पे कटहल की तेल मालिश हो रही है, एक दीदी लाई थी ना इतना बड़ा कटहल, तो ये हम अभी शाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ना कटहल काटने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए पहले ही काट के रखना है। और कटहल को काटने का एक विशेष तरीका ये होता है, क्योंकि इसमें जो दूध चिपचिपा सा होता है ना, उसके लिए पहले हाथ में तेल लगाना पड़ता है, और चाकू पे भी तेल लगाया आपने जी, चाकू पे भी तेल लगाना पड़ता है, फिर वो ना हाथ पे नहीं चिपकता है, स्वादिष्ट होता है ना उतना ही काटने में, किसी की बात नहीं है ये। उतना ही काटने में मुश्किल नहीं, सबने हाथ खड़े कर दिए थे भाई, इस तरह से काटना पड़ता है कटहल को, बहुत आसान नहीं होता है कटहल काटना। और इसके जो अंदर के ये बीज होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं सब्जी। तो अभी हो चुका है रात के 7 बजे का टाइम, और अभी हमने यहाँ पे मस्त सी मूवी बनाई है, कड़वाली कॉमेडी फिल्म बनाई है, और मैंने किया है
स्कूल के बच्ची का रोल, और ये हमारे गुरुजी, ये मेरी दादी, ये दो दोस्त स्कूल के साथी, और इनका नाम है चट्टा लठ्ठा, मेरा नाम सोनी, चट्टेश्वर लठ्ठेश्वर, सोनी की दादी, सोनी की दादी गुरुजी। तो अभी ना ये वीडियो आपको ना केदारनाथ ब्लॉगर चैनल पर देखने को मिलेगी बहुत जल्दी, तो जरूर देखना। और मैं स्कूल के कपड़ों में कैसी लग रही हूँ वो भी बताना, क्योंकि लग रही है। और मेरे को वैसे भी स्कूल जाने का बहुत शौक था, आज मैंने ये कपड़े पहने तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मेरे को, ऐसा लग रहा है मैं सच में स्कूल जा रही हूँ। कल से सोनी ने बहुत अच्छा गीत गाया, तो सोनी को ये इनाम मिला, ये सोने का इनाम मिला। अब सर बनेगी ये इसके साथ आशीर्वाद है दादी का। देखो तो ये सोनी को मिला है इनाम। सोनी ने बहुत अच्छा गाना गाया है यार, तो सोनी को ये पुरस्कार मिला है भाई। ये भी बहुत अच्छे है ना लठ्ठा चट्टा, बहुत अच्छे है। स्कूल का घर का नाम है ना लठ्ठा चट्टा, स्कूल में लठ्ठेश्वर चट्टेश्वर है भाई। तो इनको भी कमेंट करना भाई दोस्तों, लठ्ठेश्वर चट्टेश्वर कैसे लग रहे हैं। इस नंदू को पकड़ के रखो, बल खाना बनाने वाला मिल गया, नंदू भागने ना पाएगा। तो भाई दोस्तों अभी अंधेरा भी होने लगा है, और अब हम भी खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।